गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम एंड दिस इज रिटन बाय सुधा मूर्ति. काइंडली नोट डाउन द स्पेलिंग्स. सो वट वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर, वी विल लर्न अ फ्यू थीम्स. द वेरी प्रिडोमिनेंट वन इज़ हाउ अ स्टूडेंट should behave for a successful life, and there are a few new words and phrases which I will show you towards the end of the chapter in two slides, and you will also develop your writing skills when you will write down a few questions. So let us start. Let me introduce you with the author, Sudha Murthy. She is basically a teacher, a social worker, and her work speaks more than any words will. She is the spouse of Mr. Narayan Murthy. आपने सुना होगा नारायण मूर्ति का नाम. वो इन्फोसिस के फाउंडर थे, उनकी वाइफ है ये. सो अनदर वर्ड विच इज़ देयर इन योर बुक इज स्पाउस, SPOUSE, विच मीन्स लाइफ पार्टनर. Her contribution toward family, company and world is immense. Her humbleness reflects in her writing Hassan's attendance problem, which describes the consequence of not taking things seriously and not working for the sake of knowledge. So basically, Sudha Murthy jo hai, she is the author. 1950 mein wo born hui thi, which is there in your screen, you can note down. वो इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक टीचर है. कन्नड़ा में बेसिकली लिखती हैं और इंग्लिश उनकी सेकंड लैंग्वेज है जिसमें वो लिखती हैं. द वेरी फेमस वर्क विच बाय विच नेम शी इज़ नोन इज़ डॉलर बहू. अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी से. सो इन दी स्लाइड्स यू कैन सी द मेन पॉइंट्स एंड आई विल रीड द चैप्टर फ्रॉम योर बुक. लेट्स स्टार्ट. For many years, I have been teaching computer science to students studying for their masters in computer application at a college in Bangalore. I have interacted with many students, and though it is not possible to remember all of them, the memories of some are etched in my head. That's not because they were all brilliant, but rather because something in them was very different from the others. So अभी हम देखते हैं, there are mainly two characters in the story, but in the first part only one character is introduced. किसको introduce किया है? सुधा मूर्ति को. सुधा मूर्ति author भी है और सुधा मूर्ति इस कहानी की एक character भी है, ठीक है. What she is? She is a teacher. And what does she teach? She teaches computer science there in a college of Bangalore. अभी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि जो टीचर्स होते हैं, दे मीट मैनी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर टीचिंग्स, राइट. अभी द नेक्स्ट पैरा इन योर बुक. इन माय फर्स्ट बैच देयर वाज अ वेरी ब्राइट बॉय कॉल्ड हसन. ही वाज टॉल, हैंडसम, विद अ वेरी गुड मेमोरी. ही केम फ्रॉम एन अफ्लुएंट फैमिली where he was the only son. Initially, I did not come to know of its existence at all, mainly because he was hardly ever present. I normally take the first class of the day, which is scheduled at 9 a.m. or the one after, that is 10 a.m. I prefer this time as this is when students are fresh and very attentive. अब दूसरा करैक्टर हम लोगों को इंट्रोड्यूस हो चुका है. द थर्ड पॉइंट इन दिस स्लाइड आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ हसन. उसकी करैक्टरिस्टिक्स दिखाई है राइटर ने. जब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी आएगा, राइट डाउन द करैक्टर स्केच ऑफ हसन, तो उसमें आप लोग इस पॉइंट को इलेबोरेट करोगे. ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, ही इज़ टॉल, हैंडसम एंड ही पोजेस वेरी गुड मेमोरी, राइट.
अभी वो टीचर जो है शी इज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस कि वो नॉर्मली मॉर्निंग की क्लासेस लेना प्रेफर करती है क्योंकि उस टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर वेरी मच फ्रेश. द थर्ड पैरा, वंस इन अ व्हाइल हसन वुड टर्न अप पर्टिकुलरली इफ देयर वाज अ क्लास टेस्ट और ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस. स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग वर्ड्स नोट करते जाएंगे दैट जो नए हम लोगों को इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. एक वर्ड अभी आया है अफुलेंट. जब हम लास्ट स्लाइड करेंगे उसमें ये आप लोगों का होमवर्क है कल के लिए जो आप मुझे मेल करेंगे, तो प्लीज़ नोट करिए वर्ड्स. अफुलेंट मीन्स रिच. तो ये जो लड़का है हसन, ही बिलोंग्स टू अफुलेंट फैमिली, ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली. वंस इन अ वाइल हसन वुड टर्न अप पर्टिकुलरली इफ देयर वॉज अ क्लास टेस्ट और ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस. I met him more often for attendance shortage meetings. He would beg for attendance in such a manner that it was very difficult for me to say no. Sometimes I would get upset and tell him, no, I can't give you attendance. There should be discipline. तो अब इसके बारे में क्या बताया है? हालांकि हसन जो है, he is a very bright student. बट इसकी एक और बात जो प्रिडोमिनेंट है वो क्या है, ही जो फ्रेज राइटर ने यूज़ किया है दैट इज़ टर्न अप. ही समटाइम्स टर्न अप. आप लोग ऐसे भी बोलते हो ही केम, तो आप उसकी जगह एक फ्रेज यूज़ कर सकते हो टर्न अप. तो राइटर बोल रही है कि हसन जो है वो क्लास में कभी कभी आता था या एग्ज़ाम्स के टाइम ही वो क्लास में मिलता था. और अटेंडेंस शॉर्टेज जब हो जाती थी देन ही वुड बैग फॉर टू द टीचर कि उसकी जो अटेंडेंस है वो पूरी कर दी जाए. जैसे आप लोग भी कई बार ये चीज़ करते हैं, विच शुड नॉट बी देयर. और यही हमारी इस चैप्टर की मेन थीम है कि लाइफ में इस तरह का केयरलेस एटीट्यूड किस तरह के रिजल्ट्स लेके आता है. नेक्स्ट पैरा, यस मैडम ही वुड रिप्लाई अपोलोजेटिकली पार्डन मी. तो नए वर्ड्स हमें फिर आते हैं. अपोलोजाइज करना मतलब माफ़ी मांगना, पार्डन मी मुझे माफ़ करिए. फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर ऑन वर्ड्स आई विल डेफिनेटली अटेंड योर क्लास. कैन यू नॉट पार्डन मी दिस टाइम? टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन. यू हैव ओनली टॉट अस दिस. तो अब वो टीचर के पास आता है एंड हाउ ही ट्राइज टू कन्विंस द टीचर कि मैम नेक्स्ट टाइम से आई विल बी रेगुलर फॉर द क्लासेस. एंड हेयर द राइटर इज यूजिंग अ फ्रेज. दिस फ्रेज इज टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन. कि गलतियां करना इंसान का काम है और परमात्मा उसे माफ़ कर देता है. तो ये आप फ्रेज याद कर सकते हैं. तो वो अपने टीचर को हसन कन्विंस कर रहा है और प्रॉमिस कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम से वो ऐसा नहीं करेगा. दिस वॉज पेज नंबर 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे तो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने पहले कवर कर लिए हैं पहले पेज से. नंबर 1, आई विल रिवाइज इट. सुधा मूर्ति इज टीचिंग कंप्यूटर साइंस इन बैंगलोर, ठीक है. एंड ड्यूरिंग टीचिंग, सेकेंड पॉइंट, शी इंटरेक्ट्स विद मैनी स्टूडेंट्स. एंड थर्ड पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द सेकेंड करेक्टर Hassan, who is a bright student, he is tall, handsome, he possesses good memory and he belongs to a rich family. A few paragraph which next came is how he is trying to, convince the teacher. Then you can see the fourth point which will come in the next slide, in the next pages, that how he is a bright student because he crams notes. What is cram? Ratta marna, right? As a result, he always stands first in the class. So he's a topper. और उसकी problem क्या है? Second last point आप देखेंगे, he is regular absentee. वो class में नहीं आता है. He would turn up once in a while.